Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. The question is, how are general growth and sexual maturation different from each other? General growth एक ऐसा term है जिसको हम लोग बहुत सारे different things से relate कर सकते हैं, जैसे कि change in size, often over a period of time which includes physical growth in height, weight, चेंज इन शेप, साइज ऑफ द बॉडी, ये सारी चीज़ें आती हैं ग्रोथ में, जनरल ग्रोथ में. और सेक्सुअल मैच्योरेशन को हम लोग कंसिडर करते हैं वैसा टाइम, वैसा एज जब एक इंसान, जब कोई बच्चा जो कि थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसके अंदर बहुत सारी मैच्योरेशन थिंग्स आ रही है जो कि मेंटली भी है और फिजिकली भी है. तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है. ग्रोथ इज अ पॉजिटिव चेंज. ऑफकोर्स किसी भी चीज़ में ग्रोथ होना कुछ हद तक बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिखा सकती है, जैसे कि साइज में. ऑफन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच इंक्लूड्स फिजिकल ग्रोथ इन हाइट, वेट, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. हम लोग एक इंसान को फिजिकली ग्रो करते हुए या जनरल ग्रो कर रहा है बोलते हैं, तो हम लोग उससे यही समझते हैं कि उस इंसान का हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, बॉडी शेप चेंज हो रही है, साइज ऑफ द बॉडी चेंज हो रही है. पर सेक्सुअल मैच्योरेशन उस इंसान में तब आती है जब वो एक ऐसे एज में होता है जब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है. इट इज ब्रॉट अप बाय अ मैच्योरिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. हमने अपने रिप्रोडक्टिव चैप्टर में पढ़ा है क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इन मेल्स एंड फीमेल्स. तो ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनका मैच्योर होना, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स होना इन एन ऑर्गेनिज्म, उस स्टेज ऑफ लाइफ को जब वो क्रॉस कर जाता है, हम उसमें प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स होने लग जाती हैं, वो मेल हो या फीमेल हो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ग्रोथ आ जाती है, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन. और ये जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है इसको हम लोग इन अदर टर्म्स प्यूबर्टी एज भी कहते हैं, जो कि जनरली बॉयज़ में 13 से लेके 20 एज तक रहती है और गर्ल्स में 11 से लेके 18 ईयर्स तक होती है. ये एज बहुत ही ज़्यादा, प्यूबर्टी एज जो है, इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में भी, जितने भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड चूज करते हैं, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चेंजेस आ रही होती हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम, प्यूबर्टी के टाइम पे, जो कि उनको लाइफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, फियरलेस बनाती हैं. और भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं जो कि आपके नॉट ओनली फिजिकल ग्रोथ से या फिर जनरल ग्रोथ से रिलेटेड हैं, बट आपके मेंटल और इमोशनल ग्रोथ से रिलेटेड भी होती हैं. इनमें इस एज में बहुत सारी ऐसे हार्मोनल चेंजेस आती हैं, बहुत सारी ऐसी फिजिकल चेंजेस आती हैं जो कि समटाइम्स बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल होती हैं, और कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जो कि इनर ऑफ योर बॉडी में होती हैं जो कि विजिबल नहीं हो पाती हैं. थैंक यू.